नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं गुलशन रमानी आज आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक नंबर सीरीज़, जिसमें जितने भी नंबर सीरीज़ के अपने क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट टाइम्स के, वो सारे अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक पहले तो ये चीज़ बताता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हमको वीडियो डाले हुए, क्योंकि आपको पता है महेंद्र सर के भाई की शादी थी, तो इसलिए हम वापस इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ नंबर सीरीज़ में हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए कि नंबर सीरीज़ का जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले उसको चेक करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसमें अपन उनको दो डिफरेंट थिंग्स में बांटेंगे। पहला होता है कि कोई भी नंबर सीरीज़ है, आप सबसे पहले उसके जो दो कंटिन्यू नंबर्स हैं उनका क्या चेक करेंगे, डिफरेंस कैसे चेक करना है। देखिए, मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन करके आपको, उस टाइप से अपने को आगे क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अपन अभी देखते हैं पहले डिफरेंस कैसे, वो भी देख लीजिए एक बार। ये इस तरह से डिफरेंस को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, अब इसी से मैं एक इस तरह का एक रीजनिंग बनाऊं, तो देखिए ये अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, 2 से 4 हुआ यानी ट्वाइस हुआ, फिर 4 का 2, फिर ट्वाइस, अगेन ट्वाइस, अगेन ट्वाइस, तो आंसर कितना होगा, 62। तो ये जो फर्स्ट जो रीजनिंग मैंने ली है वो है डायरेक्ट मेथड की। तो मैंने आपको बताया ना, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है डिफरेंस वाला, एक होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन शुरुआत करेंगे डिफरेंस वाले मेथड से। अब वो कैसे हैं वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1, 3, 7। देखिए, आपको कोई भी वीडियो मेरा अगर देखना है नंबर सीरीज़ का इस टाइप का, तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने नंबर सीरीज़ लिखी है, तो पहले उसको पॉज कीजिए और ख़ुद सर्च कीजिए कि वो कैसे हो रहा है। उसके बाद जब मैं रीजनिंग बताऊं, तब आप उसको क्या कीजिए, चेक कीजिए। तो देखिए, अब मैं रीजनिंग बता रहा हूँ डिफरेंस वाली रीजनिंग इस तरह से। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 2, अगला डिफरेंस 4, नेक्स्ट इज 6, 8 एंड 10। तो सबसे पहला डिफरेंस का क्राइटेरिया जो चलता है, वो चलता है टेबल्स में, कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल्स कोई भी टेबल हो सकती है, 2, 3 एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, देन आगे क्या बनेगा, 12। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43। ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखिए, इसी टाइप में टेबल का अगर डिफरेंस का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लें, तो देखिए क्वेश्चन बनता है कुछ इस टाइप से, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक ये क्वेश्चन लिखा है 2, 9, 30, 65, 114। पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब इसका आंसर देखिए, 2 और 7 का डिफरेंस 7, 9 और 30 का डिफरेंस 21, 30 एंड 65 का डिफरेंस इज 35, देन डिफरेंस बिटवीन 114 एंड 65 इज 49। तो देखिए, अब टेबल्स में भी 7, 21, 35, 49, इट मीन्स आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 multiply 1, 7 multiply 3, 7 multiplied by 5, then 7 multiplied by 7। तो देखिए, आपने अगर टेबल का भी यूज़ किया है, तो टेबल्स को भी आपने दो चीज़ों में बांट दिया, इवन एंड ऑड। ठीक है, इवन नंबर्स 2, 4, 6 एंड ऑड इज 1, 3, 5। तो जैसे आपने यहाँ यूज़ किया है 1, 3, 5 से, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 7 into 7। अब देखिए, आंसर के लिए अब अपन क्या करेंगे, देखिए मैंने भले टेबल्स का यूज़ किया है, लेकिन यूज़ भी किस में किया है, ऑड में, 1, 3, 5, 7,
लाइक दैट 1, 3, 5, 7। तो अगले आंसर के लिए मेरे को 7 का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 9 से। तो 7 9 जा 63। अब जो 63 आएगा दैट्स नॉट आंसर फॉर यू, आंसर इज 114 + 63। इट मीन्स आंसर इज 771, यानी कि 11177। इट्स आंसर इज 177, 177। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 3, 5, 9, 17, 33 x। सबसे पहले अपना डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 2, 4, 8 and 16। अब देखिए ये कोई टेबल तो है नहीं, 2, 4 या किसी की भी टेबल यूज़ आएगी नहीं। अब अपने पास डिफरेंस में फर्स्ट जो टेबल्स का था, सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास टाइम्स का, यानी कि कोई डिफरेंस अपने पीछे वाले डिफरेंस का कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर डिफरेंस क्या है, ट्वाइस है। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि आप ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं, 3 times यूज़ कर सकते हैं, 4 times यूज़ कर सकते हैं, 5 times यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ यूज़ हो सकता है, 1/3 यूज़ हो सकता है, या 1/4 भी यूज़ हो सकता है। और अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ तो बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग कुछ ऐसे ऑप्शंस भी करती है जहाँ वो 2/3 यूज़ करती है, ठीक है, या 5/2 का यूज़ करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा है, ट्वाइस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 16 का ट्वाइस कितना आ जाएगा, 32। तो अगर मैं 33 में 32 ऐड कर दूँ तो आपका आंसर बन जाएगा 65, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2, 3, 5, 11, 35 and x। इस क्वेश्चन में देखिए 2, 3, 5, 11, 35। देखिए क्या करिए, डिफरेंस 1, 2, 6 and 24। अब देखिए सबसे पहले टेबल्स में तो कोई टेबल नहीं आएगी काम, उसके बाद अपने को क्या करना है, गुना में। गुना में देखिए कंटिन्यू अपन 2 गुना या कंटिन्यू 3 गुना नहीं चल रहा है, गुना में क्या चल रहा है, देखिए जो प्रीवियस डिफरेंस है पहले उसने उसको क्या किया है, ट्वाइस किया है, ठीक है, फिर अगले डिफरेंस को उसने क्या किया है, 3 times किया है, फिर अगले डिफरेंस को उसने क्या किया है, 4 times। मतलब आपको आंसर निकालने के लिए 24 का आपको 5 times करना होगा, तब जाके जो नेक्स्ट डिफरेंस बनता है 120 वो बनेगा। फिर कह रहा हूँ 120 इज नॉट आंसर, 120 आप 35 के साथ ऐड करोगे तब आपका आंसर बनेगा 155, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखिए 1, 2, 6, 15 और 37। फिर से देखिए अपना हमेशा वाला काम, क्या आएगा डिफरेंस 1, 4, 9, 16। देखिए चेक करने का तरीका वही लीजिए, टेबल्स में कोई टेबल चलेगी नहीं, गुना में चल नहीं रहा है। अब देखिए जो डिफरेंस में नई रीजनिंग यूज़ आती है वो होती है स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब्स में देखिए सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेचुरल सी बात है आपका आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25, देन आई विल बी एडेड 31 + 25, देन आंसर इज 56, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपन जो रीजनिंग करेंगे फ्रॉम 0 level to top, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है कि आपको चेक कैसे करना है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए 1, 2, 10, 37, 101। फिर से अपन डिफरेंस करेंगे, देखिए 1, 8, 27 and 64। तो इस बार देखिए, इस बार मैंने सीधे सीधे क्यूब्स कॉमन लिए हैं, कैसे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो आंसर के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, देन 125 एड 101, आंसर इज 226, राइट है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 1, 1, 4, 12, 27। फिर से देखिए अपना तरीका तो वही रहेगा, क्या करेंगे अपन, सिंपल सा मेथड अपना वही है, डिफरेंस कीजिए कितना आएगा 0, अगला डिफरेंस 3, अगला डिफरेंस 8, नेक्स्ट डिफरेंस इज 15। तो देखिए सबसे पहले चेक करने का तरीका, टेबल, टेबल में ऐसी कोई टेबल होती नहीं है, टाइम्स में अपन यूज़ नहीं कर सकते,
स्क्वायर क्यूब, डायरेक्ट कहीं भी स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो इसके बाद जो डिफरेंस में फोर्थ टाइप की रीजनिंग फॉलो होती है वो होती है स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड क्यूब प्लस माइनस वन। तो आप देखिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चले गए अपन। जब जैसे ही डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रीजनिंग क्या यूज़ करनी है। और जब भी आप स्क्वायर क्यूब वाली रीजनिंग में जाते हैं तो कभी भी आगे से चेक नहीं करना, उसको हमेशा बड़े नंबर से चेक कीजिए, जैसे नंबर 15 से। 15 क्या होता है, अपन आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस वन। अब जब 4 है तो अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस वन, इसी तरह से जस्ट बैक करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस वन, और 0 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस वन से क्या बन जाएगा, 0। अब आगे आंसर के लिए चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस वन तो आगे के लिए क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस वन, इट मीन्स 24। 24 एड 27 तो आप और योर आंसर विल बी 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने लिख दिया है 3 3 8 16 33। फिर से अपन वही करेंगे, डिफरेंस देखिए पहले 0 का, नेक्स्ट डिफरेंस इज 5, कंटिन्यू डिफरेंस देखिए 8, देन कंटिन्यू डिफरेंस इज 17। फिर से देखिए चेक करने का प्रोसेस वही है, न टेबल है न टाइम्स है न डायरेक्ट स्क्वायर है। तो अपने पास बचा क्या, स्क्वायर प्लस माइनस वन और क्यूब प्लस माइनस वन। तो वही पीछे वाले डिफरेंस से देखें तो मैं ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब 17 किसी क्यूब के नज़दीक तो है नहीं, तो अपन यूज़ करेंगे डायरेक्टली स्क्वायर। अब जब एक बार स्क्वायर किया है तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ इट्स 2 का क्यूब, लेकिन अगर मैं 2 का क्यूब लिखूँ तो पीछे एक नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इसे कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर माइनस वन। देखिए रीजनिंग की एक स्पेशलिटी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो भी रीजनिंग है कंटिन्यू फॉलो होनी चाहिए, जहाँ भी डिसकंटिन्यू मिलता है आप उस रीजनिंग को छोड़ दीजिए। अब जहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब आएगा क्या 2 का स्क्वायर और वो भी प्लस वन, 0 के लिए 1 का स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए 1 2 3 4, देन आगे आंसर के लिए क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो आंसर माइनस वन से। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 24, 24 एड प्लस 33 तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 57। राइट है, ये ध्यान रखना। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने 2 4 11 21 84। आंसर के लिए सेम वही प्रोसेस है, डिफरेंस इज 2, नेक्स्ट डिफरेंस इज 7, नेक्स्ट डिफरेंस इज 10, नेक्स्ट डिफरेंस इज 63। ओके सर, देखिए नेक्स्ट अब चेक कीजिए, टेबल्स में तो कुछ भी नहीं है, गुना में भी नहीं चलेगा, स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, वही स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस वन। तो देखिए सबसे पहले 63 के लिए मैं दो रीजनिंग यूज़ कर सकता हूँ, पहली लगा सकता हूँ जो आपके माइंड में सबसे पहले आएगी, दूसरी लगा सकता हूँ, ये दोनों काम करेगी। फिर नेक्स्ट देखिए 10 के लिए, अब 10 के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ स्क्वायर के लिए, स्क्वायर में देखूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और क्यूब में देखूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 ही काम करेगा, और कोई तो काम नहीं करेगा। क्यूब में अगर देखा जाए तो अपन 3 का स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, अगर क्यूब में मैं लिखना चाहूँ तो 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों मैंने 2 का क्यूब प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, 4 का क्यूब से 2 का आया, फिर डायरेक्टली अपने पास क्या आना चाहिए, 0। तो ये वाली रीजनिंग जो है वो आपको फॉलो नहीं करनी, क्योंकि ये आपको जैसे ही आप पीछे चलेंगे रीजनिंग में तो आपको कंटिन्यूटी नहीं देगी, जब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आप उस रीजनिंग को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं है कि 8 का स्क्वायर माइनस वन करूँ 3 का स्क्वायर प्लस वन करूँ, तो इतना बड़ा गैप 3 से 5 का 8 का, तो देखिए ये रीजनिंग काम करेगी इस तरह से, कैसे 4 का क्यूब माइनस वन, फिर 10 है तो 10 के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस वन, फिर 7 के लिए वापस देखिए 2 का क्यूब माइनस वन, और 2 के लिए 1 का स्क्वायर प्लस वन।
देखिए, टू के लिए वन का क्यूब प्लस वन भी लिख सकता था मैं, लेकिन अगर मैं वन का क्यूब प्लस वन लिख दूँ तो ये रीजनिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि पहले दो में क्यूब आ जाएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्यूब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी रखने के लिए पहले स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, पहले प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। तो आंसर के लिए देखिए अपन क्या लिखेंगे, फाइव का स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो अपन क्या यूज़ करेंगे, प्लस वन। तो यानी अपन इसमें ऐड क्या करना है, 26। तो 84 में 26 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा आंसर 110। ठीक है, इस रीजनिंग को एक बार वापस देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रीजनिंग है। इसलिए देखिए, 63 को मैं 8 का स्क्वायर माइनस वन लिखा, उसको मैं 8 का क्यूब माइनस वन भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर स्क्वायर की कंटिन्यू चलाऊँ तो भी कंटिन्यू फॉलो नहीं होती है, अगर क्यूब की कंटिन्यू चलाऊँ तो भी फॉलो नहीं होती है। इसका मतलब उसने क्या किया है, एक बार क्यूब किया है, एक बार स्क्वायर किया है, या अपन ये कह सकते हैं ऑल्टरनेट काम कर रहा है। ऑल्टरनेट इट मीन्स एक छोड़कर एक, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर प्लस वन, और इवन में क्यूब माइनस वन, क्यूब माइनस वन, और इसको कंटिन्यू रखना है तो आगे होगा 6 का क्यूब माइनस वन, इसी तरह से ही। तो यहाँ देखिए एक कंटिन्यूटी फॉर्म हो जाती है, और मैंने आपको क्या सिखाया, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू होना। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए 113921। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले वही डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले 0, 2, 6, 12। अगर अपन डिफरेंस के साथ जाएं तो देखिए डबल हो रहा है, 6 से 12, 2 से 6 थ्री टाइम्स हो रहा है। अब पीछे क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स, लेकिन अगर 0 को 4 टाइम करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे टाइम्स वाली रीजनिंग नहीं चलेगी कि आप कितना गुना कर रहे हो। ठीक है, अब कोई अगर टेबल यूज़ करूँ मैं तो टेबल में भी 2, 6, 12 नहीं आएगा। अब देखते हैं अपन सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखना चाहें तो बताइए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 6 के लिए क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन आप 0 के लिए कोई रीजनिंग नहीं लगा सकते। देखिए जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि अपन जो रीजनिंग लगाते हैं, अब अपने को पता है यहाँ पे 1, 2, 3 कंटिन्यू रीजनिंग है, तो मैं अगर कंटिन्यू लगाना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, 0 ऐसे ही नहीं है, या एक एक उसने दो बार अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। ठीक है, तो रीजनिंग जैसे यूज़ होती है अपन उसी तरह से क्या करेंगे, रीजनिंग को यूज़ करेंगे। इट मीन्स ये प्रोसेस मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब अपने पास देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कि मैं 12 को ये भी तो लिख सकता हूँ माइनस। अब आप कहेंगे सर माइनस ही क्यों लिया, प्लस वाली रीजनिंग क्यों नहीं फॉलो की? तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपको इंडिकेशन कौन देगा, 0। 0 का इंडिकेशन इट मीन्स आप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तभी जाके 0 बनेगा, वरना 0 कहीं भी नहीं बनेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 भी क्या होता है, 12। फिर ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट देखिए, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, और 0 के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखिए तो आपकी रीजनिंग बन गई, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 2। तो अब आंसर के लिए क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 5। तो क्या होगा, 25 25 माइनस 5 क्या बनेगा, 20। तो 20, तो 20 प्लस 21, देन आंसर विल बी इज 41। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1, 3, 11, 29, 61 एंड एक्स। डिफरेंस वही कैलकुलेट कीजिए, डिफरेंस कितना है, देखिए 2 का, फिर डिफरेंस है 8 का, नेक्स्ट डिफरेंस इज 18, नेक्स्ट डिफरेंस इज 32। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक रीजनिंग अपन और भी लगा सकते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस 6, डिफरेंस का डिफरेंस 10, डिफरेंस का डिफरेंस 14, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में जाके कंटिन्यू हो रहा है, चार ऐड किए, चार ऐड किए, तो यहाँ चार ऐड करके अपन 18, 18, 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 4 ऐड किया, यहाँ भी 4 ऐड किया, तो यहाँ भी 4 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 से कितना बन जाएगा 50। अब यहाँ पे 61 प्लस 51 तो आपका आंसर बन जाएगा 111, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए इतना टाइम नहीं होता है कि आप बड़े बड़े नंबर्स को कंटिन्यू 2 या 3 डिफरेंस तक सॉल्व करने जाएं, तो अपन इसको, इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया, अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरे तरीके में क्या है कि जैसे आपने जो डिफरेंस निकाला है मल्टीपल्स में तो है नहीं, ठीक है, फिर अपन इनको मल्टीपल्स में नहीं है, टाइम्स में नहीं है, टेबल्स में नहीं है, अब इसको अपन क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए 32, 32 इज स्क्वायर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 18 इज स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन सेम इज स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन सेम एज 1 के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखिए 16, 16, 2, 32, 9 का डबल 18, तो जो नेक्स्ट रीजनिंग आपके फॉलो होती है, अगर मैं देखना चाहूँ तो नेक्स्ट रीजनिंग को अपन कैसे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ सीधा सा अपन लिख सकते हैं। मैंने आपको स्क्वायर प्लस माइनस 1 बताया, क्यूब प्लस माइनस 1 बताया, अब मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर एंड क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड हाफ, ये भी प्रोसेस यूज होता है, ये डिफरेंस के सबसे लास्ट रीजनिंग है, ध्यान रखना। तो अपन इसमें क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आंसर के लिए क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या बनेगा देखिए 50, आंसर वही रहेगा। लेकिन कई बार ऐसी रीजनिंग होती है उनमें आंसर्स भी बदल जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो गया। देखते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन 2, 4, 7, 35 एंड 50। तो देखिए सबसे पहले तो इस रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, अपन अधिकतर आप लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही 50 दिखा तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 35 दिखा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 7 दिखा 2 का क्यूब माइनस 1 या 3 का स्क्वायर माइनस 2। बट ये रीजनिंग क्या कंटिन्यू है क्या, नहीं, ये रीजनिंग कंटिन्यू नहीं बैठेगी। तो आपको सबसे पहला काम वही हमेशा वाला, डिफरेंस कितना बैठेगा, सबसे पहले 2 का, फिर डिफरेंस देखिए 3 का, देन नेक्स्ट डिफरेंस देखिए 28 का, देन नेक्स्ट डिफरेंस इज 15, राइट है। तो अब इस तरह से जब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो अब 2, 3, 8 और 15, अब ये डिफरेंस तो कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है इस बार, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सेम वही तरीका, जैसे 15 आपने यूज़ किया है तो 15 को अपन यूज़ करेंगे, तो 15 में आपके पास क्या बनेगा, 15 में आपके पास बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद 28 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, 28 के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 तो नहीं लिख सकते, है ना। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, अपने जो सिलेबस में है वो स्क्वायर और क्यूब प्लस माइनस 1 है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 का स्क्वायर कर देगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर देगा या 6 सब्ट्रैक्ट कर देगा, नहीं। या ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है सेम नंबर का स्क्वायर, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, सेम नंबर का क्यूब एंड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, उसी नंबर को क्यूब करे और उसी नंबर को क्या करे, सब्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐड कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए अपने को ये आइडिया तो हो चुका है कि अपन इसको कैसे कर रहे हैं। अब देखिए तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 28 के लिए 3 का क्यूब प्लस 1, राइट है। इसी तरह से 4 के लिए, 3 के लिए क्या लिख सकता हूँ, अब जैसे अपन ने स्क्वायर किया, अब यहाँ पे सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया था गलती से, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है। तो देखिए वापस 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो 3 के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का
क्यूब प्लस वन। देखिए फिर से वही कि सर आपने एक का क्यूब प्लस वन क्यों लिखा, एक का स्क्वायर प्लस वन क्यों नहीं लिखा। तो देखिए अगर मैं यहाँ स्क्वायर लिखूँ तो स्क्वायर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर से वही कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इसको कंटिन्यू रखेंगे तो पहले जब आपने स्क्वायर किया फिर क्यूब किया फिर स्क्वायर किया तो फिर क्यूब हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आप क्यूब कर रहे हो वहाँ तो आप प्लस वन कर रहे हो, जहाँ जहाँ आप स्क्वायर कर रहे हो वहाँ वहाँ आप क्या कर रहे हो माइनस वन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना आंसर किससे आएगा, वन थ्री और फाइव। तो फाइव का आपको क्या करना होगा क्यूब, और उसमें एग को क्या करना पड़ेगा ऐड। तो देखिए 125 प्लस वन कितना होता है 126, 50 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 176। देखिए आज अपन ने इस वीडियो में जितना भी मैंने डिफरेंस में आपको सिखाया है 99% डिफरेंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। ये है नंबर सीरीज का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। इसी तरह से अगले वीडियो में मैं लाऊंगा, वो छोटा सा पोर्शन है डायरेक्ट रीजनिंग का, तो अपन उसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।